हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। जी हाँ, सिंदूर। सिंदूर जो होता है वो पति का प्यार होता है और हर सुहागन स्त्री के सर का ताज होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इस सिंदूर से जुड़ी कुछ बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फिर मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों से जब पता चला तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं। तो इस सिंदूर को लगाने से पहले कुछ चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है सिंदूर, हर स्त्री के लिए जो पति होते हैं वो कहते हैं पति भरे दो बार और पत्नी भरे बार बार। यानी पहली बात, सिंदूर पति जो होते हैं वो सिर्फ किसी स्त्री के जीवन में दो बार ही भरते हैं, एक शादी के वक्त और दूसरा अगर उसकी पत्नी उससे पहले गुजर जाए या उसकी मृत्यु प्राप्त होती है तो उस टाइम क्या होता है, पति पत्नी के सिर पे मांग में सिंदूर भरता है। यानी सिंदूर जो होता है पति किसी पत्नी की या किसी स्त्री के सर पर सिर्फ दो बार ही भरता है। इसीलिए कहते हैं कि जो सिंदूर होता है पत्नी को खुद ही लगाना चाहिए। कई पत्नियां या कई स्त्रियां बोलती हैं कि हम तो अपने पति से सिंदूर लगवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो होता है वो अशुभ होता है या अपशकुन बोला जाता है, इसीलिए पति सिर्फ दो बार ही भरते हैं मांग, और पत्नी को खुद ही सिंदूर लगाना चाहिए या फिर आप किसी सुहागन स्त्री से भी सिंदूर अपना मांग भरवा सकती हैं। अगर आपको परेशानी है, कोई सुहागन भी आपको मांग में सिंदूर भर दे तो होता है, वो भी चल सकता है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, सिंदूर हम क्यों पहनते हैं। सिंदूर जो होता है पति के प्रति श्रद्धा प्रेम जो होता है उसी का प्रतीक होता है सिंदूर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब तो एक बार जब सीता मैया सिंदूर लगा रही थी उस टाइम हनुमान जी ने आकर पूछा था कि माता तुम ये क्या लगा रही हो सिर पर, तब सीता माता ने कहा था कि ये सिंदूर है और ये मैं अपने मांग में इसलिए भरती हूँ क्योंकि ये श्री राम जी के प्रति मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा और मेरा प्रेम, मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं इसे अपने मांग पे भरती हूँ। तो हनुमान जी ने जब ये सुना तो हनुमान जी को भी लगा कि अरे मैं भी तो श्री राम जी से प्रेम करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, उनकी श्रद्धा करता हूँ। तभी से हनुमान जी ने भी क्या किया, अपने पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया। इसीलिए हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाया हुआ होता है या सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि सिंदूर पति के प्रति प्रेम भक्ति श्रद्धा, यानी पति नहीं अपने स्वामी के प्रति प्रेम भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है ये सिंदूर। सिंदूर बहुत पवित्र होता है। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है, सिंदूर बहुत पवित्र होता है। तो जब भी आप सिंदूर लगाएं हमेशा स्नान करने के बाद, अपने सर धोने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर को कभी भी बिना नहाए बिना धोए कभी मत सर पे लगाइए, अपने मांग में लगाइए। और सिंदूर जब भी लगाएं नहाने के बाद फौरन बाद ही सिंदूर मत लगाइए, हमेशा कुछ मुंह में मीठा रखने के बाद सिंदूर लगाइए। कई स्त्रियां या कई ऐसे होते हैं, पहले मुझे भी नहीं पता था, कि नहाने के बाद ही फौरन आकर श्रृंगार कर लेती थी और सिंदूर लगा लेती थी, लेकिन नहीं, हमेशा नहाने के बाद पूजा करने के बाद आप अपने मुंह में कुछ मीठा रखिए, दो चार चीनी के दाने रख लीजिए या भगवान का प्रसाद हो वो रख लीजिए और उसके बाद सिंदूर अपने मांग में भरिए। तो ये हो गई तीसरी बात, सिंदूर इस तरह से लगाना चाहिए। दूसरी बात, चौथी बात, कि सिंदूर जो है हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। सिंदूर को हमेशा ऐसी जगह रखिए जहाँ से वो ना गिरे कहीं या कहीं फैल ना जाए, क्योंकि इससे सिंदूर का अपमान होता है और अशुभ होता है। बोला जाता है कि अशुभ होता है या अपमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
और कभी अगर सिंदूर आपके हाथ से गिर जाए ज़मीन पर, तो उस गिरे हुए सिंदूर को कभी भी अपने मांग पे मत भरिए, या जिस डिब्बी में रखते हैं उस डिब्बी में भर के कभी मत रखिए। उस सिंदूर को आप कभी किसी नाले में या अपने बाथरूम में या बेसिन में या कहीं भी ऐसी जगह कहीं कभी भी मत उसको फैलाइए। हमेशा उसे उठाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए उसको, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे भी कहा जाता है कि अपमान होता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब सिंदूर पहनते वक्त ये कुछ बातें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो बात है कि सिंदूर के कुछ साइंटिफिक जो है कॉजेज़ भी होते हैं, तो हमारी जो ये मांग होती है यहाँ, ये बहुत ही, इसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जो यहाँ एक ग्रंथि होती है। तो ये ग्रंथि जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, और इस ग्रंथि से हमारे हार्ट या हमारे मस्तिष्क का जो होता है, या हमारी जो नर्व्स होती हैं, सबका एक कनेक्शन होता है। तो कहते हैं जब अगर हम इस यहाँ बीच में मांग करके जब हम सिंदूर पहनते हैं, तो उससे क्या होता है, सिंदूर में जो पारा होता है वो हमारे मस्तिष्क को ठंडा रखता है। तो सिंदूर का जो पारा होता है वो हमारे मस्तिष्क को जब ठंडा रखता है, तो उससे क्या होता है, किसी स्त्री का जो होता है ब्लड प्रेशर जो होता है कंट्रोल में रहता है। सिंदूर पहनने के ये कुछ साइंटिफिक कारण होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो नर्व्स होते हैं वो उत्तेजित नहीं होते, वो शांत रहते हैं, जिससे मन मस्तिष्क शांत रहता है, दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग को ठंडा करता है। तो और इसके अलावा जब मतलब आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपकी जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल रहेगी, सब रहेगी, तो इससे क्या होता है, घर में शांति बनी रहती है। घर में भी आप कोई मनुष्य अगर शांत रहेगा, सही रहेगा, तो घर में भी उसकी शांति बनी रहती। तो सिंदूर का ये भी एक बहुत अच्छा महत्व है। इसके अलावा सिंदूर कहते हैं पॉजिटिविटी लाता है, यानी लाल रंग। लाल रंग पॉजिटिविटी का जो होता है प्रतीक होता है। लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो सिंदूर से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी भी दूर होती है। यानी अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो अगर आपके चारों तरफ नकारात्मक कोई शक्तियाँ होती है, नकारात्मक कोई ऊर्जा होती है, तो वो आपको छू नहीं पाती, और सिंदूर जो होता है वो उस नकारात्मक शक्ति को पॉजिटिविटी में चेंज करता है। यानी सिंदूर ये भी एक अच्छा काम करता है। इसके अलावा पहले ज़माने में मतलब दादी नानियाँ बोलती थी कि सिंदूर से उम्र भी नहीं बढ़ती, उम्र मतलब सही रहती है, बुढ़ापा कम आता है, झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। तो इस तरह से सिंदूर की, और सिंदूर जो होता है रूप निखारता है, सिंदूर जो होता है पति को मतलब खुश, मतलब पत्नी के प्रति प्रेम का भी जो होता है वो दर्शाता है। तो इसके अलावा कहते हैं सिंदूर जो होता है वो अनिद्रा को भी दूर करता है। यानी जब मन शांत होता है तब जो होता है अनिद्रा दूर होती है, निद्रा आती है, तो मन शांत रहता है। इसकी वजह से सिंदूर लगाने से मन शांत रहता है, तो इसकी वजह से ये भी होता है। इसके अलावा सिंदूर को कभी भी अगर आपकी पीरियड्स हो, या घर में मतलब कोई अशुभ या अशुचि अशुतक जो होता है, अशुचि चलती है, उस टाइम भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे कहते हैं सिंदूर का अपमान होता है। तो इसीलिए पहले ज़माने में दादी नानियाँ जो बोलती थी पीरियड्स के टाइम में, या घर में अगर कोई अशुभ चीज़ हो गई हो या अशुभ अशुतक जो होता है अशुभ, उस टाइम सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, सिंदूर का अपमान होता है। और अब आते हैं सिंदूर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो सिंदूर अभी कई तरह की मिलती हैं, जैसे कि गीली सिंदूर, जो लिक्विड सिंदूर होती है, इसके अलावा तो सूखी सिंदूर तो वो ही होती है, रेड होती है, इसके अलावा पिंक, मैजेंटा, मैरून, ऑरेंज, कई तरह की सिंदूर मिलती है। लेकिन जो लाल वाली सिंदूर होती है वही असली सिंदूर होती है, और इसके अलावा जो हनुमान जी के को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर कहते हैं असली सिंदूर होता है। तो ये हो गई सिंदूर से जुड़ी बातें। और अब मैं आप लोगों को सिंदूर किस तरह लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, और गर्मियों में भी आपकी सिंदूर बिल्कुल सही रहे, इसके कुछ ट्रिक्स अभी आप लोगों के साथ मैं
शेयर करूँगी। सिंदूर लगाने से पहले आप पहले बीच में इस तरह से मांग बना लीजिए और उसके बाद हमेशा सिंदूर बीच में ही मांग बनाकर ही भरना चाहिए। एक और बात, सिंदूर हमेशा ये वाली जो दाहिनी हमारे दाहिने हाथ की जो ये वाली उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है, कहते हैं जो हमारे दाहिने हाथ की ये जो रिंग फिंगर होती है, इसका कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ होता है, दिल के साथ होता है। तो इसीलिए और इस उंगली का जो प्रेशर होता है वो कम पड़ता है, मतलब आप कहीं भी देते तो इस उंगली का प्रेशर बहुत हल्का होता है और धीरे से पड़ता है। और इस उंगली को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ उंगली होती है। इसीलिए जब अंगूठी पहनाई जाती है या सगाई वगैरह होती है तो उस टाइम इसी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, क्योंकि ये उंगली बहुत शुभ होती है। इसी उंगली से हम भगवान को चंदन या भगवान को जो सिंदूर है वो लगाते हैं। इसीलिए सिंदूर भी हमेशा इसी उंगली से आप लगाइए। अगर आप हाथ से लगाना चाहें तो इस उंगली से सिंदूर लगाइए हमेशा। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ किस तरह से आप सूखी सिंदूर को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो आप या तो पानी से गीला कर लीजिए अपनी इस उंगली को, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ले लिया है, रोज़ वाटर से थोड़ा सा आप इसे गीला कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सिंदूर लीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आपकी उंगली में आ जाएगा सिंदूर, और उसके बाद इस तरह से इसको भर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चौड़ी वाली नहीं, पतली वाली सिंदूर लगाना चाहते हैं, थोड़ी सी हल्की सी पतली सी सिंदूर, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो इसे भी आप इस तरह से थोड़ा सा गीला कर लीजिए, ऐसे एक माचिस की तीली या फिर ऐसे ही कोई एक लकड़ी की तीली ले लीजिए इस तरह से, और इसको भी गीला करके थोड़ा सा सिंदूर में लगाइए। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये लग गया है। और अब इसे इस तरह से पकड़ के इस तरह से लगा लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप पतली वाली सिंदूर भी इस तरह आसानी से आप लगा सकते हैं। और एक बात, सिंदूर को कभी भी इस तरह यूं नीचे की तरफ नहीं खींचना चाहिए, सिंदूर को हमेशा ऊपर की तरफ भरना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप नीचे की तरफ ऐसे खींच रहे हैं, हमेशा इसे ऊपर की तरफ यूं खींच के लगाना चाहिए, नीचे खींचना अशुभ होता है। और सिंदूर लगाते वक्त कहते हैं अगर आपके नाक में या माथे में गिरता है तो कहते हैं वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए हमेशा हाथ से सूखी सिंदूर लगाइए तो वो बहुत शुभ होता है और बहुत शुभ माना जाता है। और अब मैं आप लोगों को कुछ और टिप्स बताऊंगी, जैसे कि अगर आप गर्मियों के टाइम में सूखी सिंदूर क्या होता है, लगाने के बाद ही फौरन से वो या तो जैसे मतलब पसीने में एकदम बहना शुरू हो जाता है, बह जाता है, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वैसलीन लीजिए जहां आप सिंदूर लगा रहे हैं, लगाने से पहले वहां थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए, या फिर जो लिपस्टिक होती है उस लिपस्टिक को थोड़ा सा पहले लगा लीजिए और उसके ऊपर सूखी सिंदूर लगाइए। तो गर्मियों में पसीने में आपकी सिंदूर बिल्कुल बहेगी भी नहीं और बिल्कुल एज इट इज़ बनी रहेगी। इसके अलावा भी आप एलोवेरा जेल को भी थोड़ा सा पहले लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगाने के थोड़ी देर बाद ही सूख जाती है, तो एलोवेरा जेल में भी आप थोड़ी सी सिंदूर मिक्स करके रख सकते हैं किसी छोटी सी डिब्बी में, और इसे लिक्विड सिंदूर आप बना सकते हैं। इस तरह से एलोवेरा जेल में आप सूखी सिंदूर डालिए, उसे मिक्स कीजिए और डिब्बी में रख दीजिए और फिर उसे भी लगाइए, तो वो भी गर्मियों में आपकी बहेगी नहीं, अच्छी रहेगी। और इसके अलावा आप वैसलीन से या लिपस्टिक से भी सिंदूर को स्टिक करके रख सकते हैं, तो पसीने में वो बहेगी नहीं और बिल्कुल स्टिक बनी रहेगी। तो ये थी सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर सुहागन स्त्री को जान लेना बहुत ज़रूरी है और उनके बहुत काम आएगी। इस तरह की कुछ जो आज टिप्स ट्रिक्स या फिर कुछ ज़रूरी बातें आज जो शेयर की है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो
अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों के साथ मैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर कर सकूँ।